पति की हत्या में शामिल भाई ने दी भाई की हत्या की सुपारी। लूट, डकैती और सुपारी लेकर हत्या करने वाले चार आरोपियों को अलवर पुलिस ने गिरफ्तार किया। अलवर जिले में ये शातिर अब तक 8 हत्याएं करना कबूल कर चुके हैं। अलवर जिला पुलिस कप्तान राहुल प्रकाश ने प्रेस वार्ता में पूरे मामले की जानकारी दी। देखें पूरा मामला, क्यों कराई भाई ने भाई की हत्या। अलवर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में हुई 8 हत्याओं के आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। एसपी राहुल प्रकाश ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि जिले में मिल रही अज्ञात लाशों में गहनता से जांच के निर्देश देने के बाद खैरतल थाना पुलिस को मुखबिरों से जानकारी मिली थी कि गांव नागल संतोकड़ा के मुन्ना उर्फ मुनेश गुर्जर करीब 1 साल से गायब है और उसकी हत्या कर जंगलों में कहीं पटक दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए करीब 1 वर्ष पूर्व सदर थाना अंतर्गत सिरमोली पलई का बास गांव के पहाड़ पर एक युवक की सड़ी गली लाश मिली थी, लेकिन लाश की पहचान ना हो पाने की वजह से पुलिस की तफ्तीश भी प्रभावित रही। लेकिन मुखबिरों की सूचना में खैरतल के 30 वर्षीय मुनीश की हत्या किए जाने के मामले को भी गहनता से जांच करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनसे मिली जानकारी में एक के बाद एक हत्याओं के राज खुलते चले गए। ये शातिर अपराधी लूट, डकैती और सुपारी लेकर भी हत्या करते रहे और हत्या कर उसे दुर्घटना का रूप देने के लिए लाश को ट्रेन के आगे पटक देते थे। अलवर जिले में कई ऐसे मर्ग दर्ज थे और कई ऐसे मर्डर दर्ज थे जिनके बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया था कि इनकी हत्या कैसे हुई या मर्ग जो हमें अप्राकृतिक मृत्यु वाले प्रकरण दर्ज हुए उसका कारण क्या था। इस विषय में हमारे SHO खैरथल जितेंद्र यादव के पास एक कहीं से इनपुट आया था एक मुखबिर के द्वारा कि नंगला संतोकड़ा का एक लड़का मुनेश गुर्जर जो कि लगभग 1 साल से अपने क्षेत्र से गांव से गायब है उसकी संभवतः हत्या की गई है और उसमें एक दिनेश कंजर जो कि वहीं खैरथल का रहने वाला है उसका नाम आया था हमारे पास। खैरथल थाना अंतर्गत नांगल संतोकड़ा निवासी 30 वर्षीय मुनीश की हत्या कर इन्होंने सदर थाना क्षेत्र के सिरमोली गांव की पहाड़ियों में पटक दिया था। इस मामले में चौंकाने वाली बात यह थी कि इस हत्या के लिए खैरथल थाना अंतर्गत गिरवास के रहने वाले दिनेश कंजर और समीन को सुपारी दी गई थी, वो भी मृतक मुनीश के सगे भाई फौज में रहने वाले राजेश ने अपने भाई की इनसे हत्या करवाई। इस मामले में दिनेश और समीन के अलावा मुनेश के 2 रिश्ते के भाइयों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, फौजी राजेश ने प्रॉपर्टी की खातिर अपने दूसरे भाई की हत्या करने की सुपारी तक इन्हें दे रखी थी। इसमें जब हमने प्रारंभिक पूछताछ की तो हमें ज्ञात हुआ कि दिनेश कंजर और समीन मेयर बेसिकली जो है ये दोनों आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं जो कि सैकड़ों की संख्या में टटलूबाजी और ट्रांसफार्मर चोरी का काम कर चुके हैं। पहले 7 बार इनका मुकदमा भी जमीन का दर्ज है। इन लोगों के द्वारा मुनेश का अपहरण करके उसकी हत्या कर दी गई थी और इसमें सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक बात यह थी कि इसके लिए सुपारी उसके खुद के भाई ने दी थी जो कि जिसका नाम राकेश है, राकेश गुर्जर, और जो कि फौज में नौकरी करता है। इस मर्डर के साथ जब हमने अन्य ऐसे प्रकरण जो कि भिन्न भिन्न थाना क्षेत्रों में दर्ज थे मर्ग या अदम पता के मर्डर के प्रकरण उनमें हमने तफ्तीश करनी शुरू की तो बारी बारी से करते हुए इन लोगों ने कुल 8 प्रकरणों में अपने द्वारा हत्या करना बताया और उनकी जब हमने क्षेत्र में तस्दीक की तो लगभग 6 प्रकरण हमें मर्ग या मर्डर के रूप में, 3-3 प्रकरण थे, 3 मर्डर में दर्ज थे, 3 मर्ग में दर्ज थे, वो मिले हैं। बाकी जो 2 प्रकरण ये बता रहे हैं कि हमने हत्या की उसके बारे में हमारे पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से कोई भी प्रकरण दर्ज नहीं है। इस तरह एक और हत्या का मामला भी आरोपियों ने स्वीकार किया है जिसमें इन्होंने प्रेम प्रसंग के चलते दिनेश कंजर ने अपनी प्रेमिका सुमन बावरिया के पति बुधराम की हत्या भी समीन मेव के साथ मिलकर की। इसमें बुधराम को घायल कर रूपबास की पुलिया से नीचे रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के सामने पटक दिया जिसमें लाश के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। इस पूरे घटनाक्रम में बुधराम की पत्नी सुमन भी शामिल रही। इतना ही नहीं, सुमन ने बड़ी चालाकी से बुधराम के क्रिया कर्मों में भी भाग लिया। उसने कुछ समय बाद दिनेश के साथ शादी भी कर ली। इस तरह इन शातिर अपराधियों ने 8 हत्याएं किए जाना कबूल किया है। अभी पुलिस
आगे भी और गहनता से जांच कर रही है। अलवर जिला पुलिस अधीक्षक ने इस पूरे मामले का खुलासा करने वाली टीम को 2,000 रुपए का इनाम दिए जाने की घोषणा की है।